मुझे कुछ स्वादिष्ट चाहिए। क्या चिप्स खत्म हो गए? ऐसा कैसे? मेरे लिए और खाना लाओ, मुझे भूख लगी है। आपने क्या बनाया है? यह वह नहीं जो मुझे चाहिए, चले जाओ यहाँ से। यह क्या है? क्या कर रहे हो? ओह, उन्होंने मुझे सिर से पांव तक कैंडी से नहला दिया जो मुझे नहीं चाहिए। बस सभी कलिनरी चैलेंज के लिए चलो। वाह, हमारे पास फिर से एक नया वीडियो है, कलिनरी चैलेंज। चलो वेंडी के लिए कुछ स्वादिष्ट बनाते हैं। सबसे पहले मेरे लिए लेमोनेड बनाओ, बस इसे बहुत स्वादिष्ट बनाना ना भूलना। मॉली बेटा, वेंडी ने हमें टास्क दे दिया है और तुम फोन पर लगी हुई हो। ओह, या आजकल के बच्चे। जब मैं छोटी थी मुझे कुछ पूरी तरह से अलग करने में दिलचस्पी थी, इस टेक्नोलॉजी में नहीं। ओह, मेरा जूसर टूट गया है, यह ऐसे काम नहीं करेगा। लेकिन मैं काफी उम्र दराज हूँ, इसलिए मैं कुछ लाइफ हैक जानती हूँ। उनकी मदद से मैं सही ताज़ा जूस बना सकती हूँ। मैंने सभी फलों को एक बैग में रखा, इसे बंद कर दिया और अब मैं उनसे हेल्दी और स्वादिष्ट सब कुछ बाहर निकाल लूंगी। और जब बहुत गुस्सा आ रहा हो तो उस समय भी यह मददगार होगा। हाँ, और अब चलो, अब बैग की नोक को काट लेंगे और सभी जूस को एक गिलास में डाल देंगे। इसे बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। बस देखो कितना शानदार रंग आया है, और ताजा विटामिन कभी भी बुरा नहीं होगा। दादी का अपना स्टाइल है, लेकिन मेरे पास कुछ अविश्वसनीय रूप से अच्छा है, क्योंकि मैं न केवल एक शेफ हूँ बल्कि एक महान बारटेंडर भी हूँ। मेरा कौशल मुझे कॉकटेल बनाने में मदद करेगा। हमें बस सबसे स्वादिष्ट लेमोनेड लेने की जरूरत है। उन सभी को मेरे शानदार शेकर में मिलाएं और घुमाएं। ज्यादा करने से डरो मत, क्योंकि यह जरूरी है कि सभी स्वाद एक दूसरे के साथ घुल मिल जाए। एक अद्भुत कॉकटेल तैयार हो जाएगा। अब हम सब कुछ एक सुंदर ग्लास में डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ भी सब कुछ इतना सरल नहीं होगा। चलो रेनबो कॉकटेल लेयर्स में बनाते हैं, यह इतना कठिन नहीं है। और अब चलो एक स्टिक पर गमी कैंडी लगाकर इसे सजाते हैं, जो वेंडी को पसंद है। यह एकदम शानदार कॉकटेल निकला। क्या क्या सभी ने कॉकटेल बना भी लिया? मुझे जल्दी करने की जरूरत है, नहीं तो वेंडी अपनी बहन के स्वादिष्ट कॉकटेल के बिना ही रह जाएगी। मुझे लगता है कि आधुनिक दुनिया में खाना पकाने का झंझट मोल लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं एक स्वादिष्ट ग्रिमेस शेक का ऑर्डर दूंगी। वाओ, डिलीवरी मैन आ भी गया। कॉकटेल के लिए धन्यवाद। ओह, यह बहुत अच्छा हुआ कि मैंने समय पर सब मैनेज कर लिया। मुझे जल्द से जल्द जाना है कि वेंडी को यह कैसा लगा। वाओ, कितने कूल कॉकटेल है, मुझे तुरंत इन्हें चक्कर देखना है। वाओ, कितना स्वादिष्ट, और यह लेमोनेड में कूल बेरीज भी है, अद्भुत। और यह क्या है, गमी? हमें जल्दी सब कुछ खाना है, स्वादिष्ट। ओह वाओ, चलो अब कॉकटेल को चखे। वाओ, स्वादिष्ट। और यहाँ क्या है? वाओ, यह मैकडॉनल्ड्स के ग्रिमेस शेक है। मैंने पहले कभी इसे ट्राई नहीं किया है, लेकिन कई लोग इसको चखने की सलाह देते हैं। वाओ, यह अच्छा है। ओह, लगता है मेरे साथ कुछ गड़बड़ है, मेरा सिर। क्या वेंडी, तुम ठीक तो हो ना? ओह, वेंडी ने शेफ को विनर चुना है, मुबारक हो। चलो आगे बढ़ते हैं। वाओ, बेबी ने नई ड्राइंग तैयार कर ली है। यह क्या है? वाओ, लॉलीपॉप, बढ़िया। चलो इसे जल्दी बनाओ। मुझे पहले से ही पता है कि मुझे लॉलीपॉप के लिए चीनी और पानी चाहिए। ये बहुत ही आसान है। जब मैं छोटी थी तब मैं इस तरह के लॉलीपॉप बनाती थी। अगर घर पर कुछ भी स्वादिष्ट नहीं होता था तो चीनी और पानी तो हमेशा होते थे। ये दो सामग्रियां सबसे स्वादिष्ट और हेल्दी लॉलीपॉप बनाती हैं। लेकिन वेंडी को सब कुछ बहुत रंगीन पसंद है, तो चलो इसमें रंग मिलाएं। बढ़िया, अब हमें एक दिलचस्प आकार देने की जरूरत है। मैंने पूरे अंडे को अंदर से बाहर निकालने और उसमें अपना लिक्विड कैरमेल डालने का फैसला किया है। और जब यह जम जाएगा तो हमें स्वादिष्ट लॉलीपॉप मिलेंगे। हम इसमें एक स्टिक डालते हैं। और शेफ वहाँ क्या कर रहा है? मेरा सब सही चल रहा है। अब मैं कैरमेल को लाल करने जा रहा हूँ और एक बहुत ही सुंदर लॉलीपॉप बना रहा हूँ। हम सब कुछ एक सांचे में डालेंगे और अब हम एक सिलिकॉन चटाई पर प्यारा जिग जैग ड्रॉ भी करेंगे। देखना, अभी सब करता हूँ मैं। ये रहा मैट। हाँ, और अब इस पर अच्छे से कैरमेल कैंडी बनाता हूँ। वाओ, ये मेरी जेलीफिश के टेंटकल्स होंगे। हाँ, मैंने रंगीन, सुंदर और चिकनी जेलीफिश के रूप में बेबी वेंडी के लिए लॉलीपॉप बनाने का फैसला किया है। यह न केवल सुंदर बल्कि अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट भी निकलेगा, आप देखेंगे। दादी, जरा देखो मेरा लॉलीपॉप कितना अच्छा निकला। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास एक स्वादिष्ट लॉलीपॉप है।
सब बोरिंग है, अब मैं वास्तव में स्वादिष्ट और विशाल लॉलीपॉप बनाऊंगी। मैंने पहले ही सोच लिया है कि मैं इसे एक्वेरियम में बनाऊंगी, लेकिन पहले मैं मछली को एक छोटे से घर में रखूंगी। मैं बाद में तुम्हारा एक्वेरियम तुम्हें लौटा दूंगी, लेकिन अभी मुझे इसकी जरूरत है। सारा पानी निकाल दिया और इसमें बहुत सारे गमी बेयर डालूंगी। वैसे अलग अलग तरह के गमीज का उपयोग कर सकते हैं। अब हमें सब कुछ जल्दी से पिघलाने की जरूरत है। वाव, ये कितना सुंदर और स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया, अब हमें सब कुछ सावधानी से मिलाना है। हाँ चलो, ये पिघल गए हैं, अब इन्हें मिक्स कर देती हूँ। वाव, क्या यह मास जम गया है? लेकिन मैंने इसे अभी तक पूरा नहीं किया है। ओह, ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहती। मेरे पास अब समय नहीं है। खैर ठीक है, मैं इसे ऐसे ही दे देती हूँ। यह भी स्वादिष्ट है। वाव, सब कुछ कितना स्वादिष्ट लग रहा है। और यहाँ पूरी तस्वीर है। ये लॉलीपॉप एक जेलीफिश जैसा दिखता है, मुझे बस इसे चक्कर देखना है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। और टेंटाकल्स का स्वाद कैसा है? ए, इसका स्वाद तो कमाल का है। और यहाँ क्या है? माँ, लॉलीपॉप इतना बड़ा है कि मैं इसे उठा भी नहीं पा रही हूँ। ठीक है, चलो इसे इस तरह से चाटने की कोशिश करती हूँ। ये बेस्वाद क्यों है? ओह, क्या ये ग्लास है? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ क्या है? वाओ, कितना अच्छा, ये रेनबो अंडे है। वाओ, लाजवाब, ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं रुक नहीं सकती। पक्का ये लॉलीपॉप जीत रहा है। दादी को उनकी जीत पर बधाई, वो सभी प्रशंसा की हकदार है। और अब मुझे कुछ स्वादिष्ट पैनकेक्स चाहिए। मुझे आशा है यह आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। यह बहुत ही आसान है, मुझे अपने मिक्सर की जरूरत है। और मुझे एक विस्क चाहिए। मुझे वहाँ क्या करना चाहिए? पैनकेक्स? पर इसे बनाना कौन जानता है? हालांकि एक आइडिया मेरे दिमाग में आ चुका है। मैं अपने कूल गैजेट में डो के सभी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर पाऊंगी। मैंने हाल ही में इसे इंटरनेट पर देखा था, लेकिन मुझे क्या चाहिए? खैर मैं सब कुछ डाल दूंगी, लेकिन ज्यादा। वैसे भी हमें सब कुछ मिक्स करना होगा, इसे गूंदना होगा। और इसे चालू कर दिया। ये क्या हो रहा है? मुझे बचाओ। ठीक है, सब कंट्रोल में है, ऐसा ही होना चाहिए था। देखो बैटर कितना सुंदर और स्वादिष्ट निकला। वाओ, अद्भुत। दादी देखो, ये अच्छा है ना? ठीक है, आपको जवाब नहीं देना है। हाँ, मैंने पहले ही अपना बैटर तैयार कर लिया है, बस इसे बोतल में डालने की जरूरत है ताकि हम पूरी तरह से सुंदर और चिकनी पैनकेक्स बना सके। जरा देखो वे कितने प्यारे हैं, और इससे कमाल की खुशबू आ रही है। हाँ, और वे सिर्फ एक दो मिनट में तैयार हो जाएंगे। वैंडी को ये जरूर पसंद आएगा। बस इसे पलट दिया और इसको एक प्लेट में निकाल के रख लेती हूँ। बढ़िया, और अब मैं इसके ऊपर स्वादिष्ट शहद डालूंगी। हाँ, और थोड़े बेरीज, ताकि यह स्वादिष्ट और हेल्दी दोनों हो। शेफ, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है, पर तुमने क्या किया है? ओह, आपके पैनकेक्स ऐसे दिखते जैसे मेरी परदादी ने बनाए हो, पर वे अभी असम नहीं बनाती हैं। मैं कोई साधारण सामान्य पैनकेक्स नहीं, बल्कि चॉकलेट पैनकेक्स बनाऊंगा। इसे केवल एक फ्राइंग पैन में डालना और पकाना है। जरा देखिए मैंने कितना चिकना, स्वादिष्ट और मुंह में पानी लाने वाला पैनकेक बनाया है। यह तारीफ का हकदार है। थोड़ा क्रीम डालें। वैंडी निश्चित रूप से इसके लिए मेरे पैनकेक को पसंद करेगी, क्योंकि मैंने उसके लिए इसे स्वादिष्ट बनाने की बहुत कोशिश की है। और यहाँ यह कैसी गंध आ रही है? मॉली, कुछ जल रहा है क्या? क्या? यह नहीं हो सकता, मेरा अद्भुत पैनकेक। ओह, मैं इसे कैसे ठीक कर पाऊंगी? मुझे इसे जल्द से जल्द फेंक देना चाहिए। बस अब मेरे पास कोई पैनकेक नहीं होगा, मैं हार जाऊंगी। मैं तुम्हें अपना बैटर और अपना फ्राइंग पैन दे सकती हूँ। वैंडी के लिए कुछ स्वादिष्ट बनाओ। थैंक यू दादी, मुझे वैंडी के लिए सबसे सुंदर और स्वादिष्ट पैनकेक पकाने में खुशी होगी। वाओ, ये बहुत अच्छा है। इसे पलट दिया और प्लेट में निकाल लिया। और जरा देखो ये कितना प्यारा है, एक प्यारा मॉन्स्टर। बहुत अच्छा बेटा। वाओ, सब कुछ कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इन पैनकेक से शुरू करना चाहती हूँ। यह बहुत सारी बेरीज है। वाओ, कितना स्वादिष्ट है। और यहाँ क्या है? वाओ, ये एक पूरा पैनकेक केक है। बहुत बढ़िया, मुझे वास्तव में पसंद है। बहुत अच्छा। और यह किस तरह की मिठास है? मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। मॉन्स्टर पैनकेक, यह अच्छा है, मैं अभी इसे खाऊंगी। वाह, यह स्वादिष्ट है। मैंने फैसला कर लिया कि यह पैनकेक पक्का जीत रहा है। ये सपोर्ट के लिए आप सभी का धन्यवाद। वाह,
आशा है आपको आज की चुनौती पसंद आई होगी। फिर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। हमारे साथ बने रहे दोस्तों, यह आगे और भी मजेदार और दिलचस्प होगा।